नहीं, काले धन पे लगाम नहीं लगी और ना लग सकती है। और जितने टैक्स वगैरह लगाए हैं ये ऑल इंडिया नेशनल परमिट के हिसाब से लेके वर्ल्ड के जो टैक्स हैं उसको सारे टैक्स करके एक ही कर देना चाहिए मोदी सरकार को। और नोटबंदी से क्या ब्लैक मार्केट और बड़ा है, कम नहीं हुआ। और 2000 का नोट एक छोटे व्यापारी को देते हैं तो छुट्टे सारे चले जाते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। उसके कहना कस्टमर आता है तो वही इधर उधर मांगने आता है, कुछ भी नहीं हो सकता। बल्कि 2000 के नोट बंद करके उनको वापस 1000 के ही चालू करना चाहिए, और नहीं तो 200 के जो चालू करो 200-500 के रहना चाहिए। काला बाजारी होएगी ही नहीं जिंदगी में कभी। बाकी 80% पढ़े लिखे नहीं है, जो मध्यम पढ़ा हुआ कोई अंगूठा छाप है, 99% अंगूठा छाप। इसके पहले भी कहीं पे महापौर वगैरह ये अधिकारी छोटे मोटे और ये जो रहते हैं ये बिना पढ़े लिखे को भी मंत्री बना दिया गया, उसका क्या करेंगे? पहले अपना ही देखें सरकार, फिर बाद में नोटबंदी की देखें तो अच्छा रहे। हम तो गरीब इंसान है भैया, जो व्यापारी है उनको लगना चाहिए, अपन तो छोटे मोटे हैं। गरीब इंसान कहाँ से सो के खुले ही नहीं देते हैं ना पैसे, और कलदार दो तो कलदार भी नहीं लेते हैं, तो फिर गरीब इंसान तो मर जाएगा इस तरीके से। सब सामान महंगा है, कोई सी चीज सस्ती नहीं है, सब पे रोक लगा दी, दाल दलिया पे सब पे, शक्कर पे लगा दी, तेल पे लगा दी, अब हम क्या कर सकते हैं गरीब। ग्राहक 2000 का नोट लेके आता, 2000 के धंधे नहीं हो पाते, खुले कहाँ से दे, खुले नहीं देते, ग्राहक चले जाता है। अब नई थिंकिंग बन गई है, 5 के गलदार कोई लेता नहीं, 5 के नोट भी कोई नहीं ले रहा है। ग्राहक से हम ले लेते हैं लेकिन फिर हम दूसरे ग्राहक को देते, कोई ले ही नहीं पाता, बहुत तकलीफ है। आप मुझे बताइए कितने परसेंट जो महिलाएं हमारे यहाँ जितनी भी सब्जियां लेती हैं मध्यम परिवार से, उन्हें इस चीज़ का मालूम ही नहीं कि पेटी में है क्या, तो यूज़ कैसे करेंगे? हमें तो नहीं लगता कि काले धन पे लगाम लगी, यदि आपको लगता हो तो मालूम नहीं। कोई निर्णय सही नहीं, सब धंधे चौपट हो चुके हैं, रुपए में 4 आने धंधा हो गया, 12 आने खत्म। पैसा आएगा कहाँ से? बाजार में पैसा आएगा तो माल बिकेगा, बाजार में पैसे ही नहीं है तो माल कहाँ से बिकेगा? काला धन तो वही है, और अभी कल ही पेपरों में दे दिया कि इतने बड़ा बड़ा होगा काला धन, पनामा में अभी भी पड़ा हुआ। डिजिटल पेमेंट होगा कहाँ से? अब आप 100 रुपए के एप्पल लेने जाएंगे तो डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे अपन? इसमें तो वहाँ नगद दे के आना पड़ता है पेमेंट हमारे।